दोस्तों अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म के शुरुआत में हमें एक वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि दुनिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके वेस्ट से वातावरण को काफी नुकसान होता है। बैरी नाम के बिलियनियर ने 1 करोड़ कच्चे तेल के बैरल को अटलांटिक समुन्द्र में बहा दिया, जिससे समुन्द्र में रहने वाले लाखों जीव मारे गए। और हम उन लोगों में से हैं जो इन कंपनीज की ओनर्स को दोषी साबित करना चाहते हैं, और हमारे ग्रुप का नाम है ईस्ट। अब हम जीन नाम के फीमेल को देखते हैं जो अपने ऑफिस आती है, जहां वो प्राइवेट इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करती है। उसकी बॉस शेरोन उससे कहती है कि तुम्हें एक अंडरकवर मिशन पर जाना है, जिसमें तुम्हें ईस्ट ग्रुप के लोगों की सारी जानकारी निकालनी है और इसके लिए तुम्हें उनके ग्रुप में शामिल होना होगा, जिस पर जीन मान जाती है। अब अगले दिन जीन का बॉयफ्रेंड टीम उसे एयरपोर्ट छोड़ने आता है, क्योंकि जीन ने उससे कहा है कि वो काम के सिलसिले में दुबई जा रही है। इसलिए वो उसे दिखाने के लिए एयरपोर्ट तो आ जाती है, पर दूसरे ही रास्ते से वहाँ से निकल जाती है और एक अपार्टमेंट में आकर अपना भेष बदल लेती है, जिसके बाद वो एक कार्गो ट्रेन के पास आती है, जहां कुछ बंजारे लोग उस ट्रेन में चढ़ने की तैयारी कर रहे थे और उनमें से कुछ लोग ईस्ट ग्रुप की बातें भी करने लगे थे और उनमें से कुछ लोग ईस्ट ग्रुप की बातें भी करने लगते हैं। लेकिन फिर एक गे लूका सभी से कहता है कि मैंने सुना है कि ईस्ट ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद सभी ट्रेन में सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। अब थोड़ी दूर आने के बाद ट्रेन एक जहाज की तरफ रुक जाती है और ट्रेन के स्टाफ सभी को बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन लूका को उतरने में डर लग रहा था, इसलिए एक आदमी उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है, जिससे जीन चिल्लाती है, जिस पर वो आदमी उसे मारने लगता है और हथकड़ी से वही बंदी बनाकर चला जाता है। फिर तभी वहाँ एक पुलिस वाला आने लगता है, इसलिए जेन एक पिन से हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है, क्योंकि कार्गो ट्रेन में पैसेंजर बैठना अलाउड ही नहीं है। और तभी पुलिस वाला जेन को देख लेता है और अपने कुत्ते को जेन के पीछे लगा देता है, लेकिन समय रहते वो अपनी हथकड़ी खोलकर वहाँ से भागने लगती है। फिर तभी वहाँ लूका अपनी वैन लेकर आ जाता है, जिसमें सवार होकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में लूका कचरे के डब्बे से कुछ खाने की चीज निकालने लगता है और तभी जिन उसके वैन में कंपास देख लेती है जो ईस्ट पर सेट था, जिससे वो समझ जाती है कि ये ईस्ट ग्रुप से ही है। इसलिए अब वो एक पुराने कैन से अपना हाथ काट लेती है और जब लूका वहां आता है तो उसके कटे हुए हाथ को देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, पर जेन कहती है कि मेरे पास हॉस्पिटल के पैसे नहीं है। इसलिए फिर वो उसकी आंख पर पट्टी बांधकर ईस्ट ग्रुप के पास ले आता है, जहां सभी जेन को देखकर लूका से कहते हैं कि तुम किसी को भी यहां नहीं ला सकते, पहले तुम्हें बेंजी से बात करनी होगी। लेकिन लूका कहता है कि इसे अभी डॉक्टर की जरूरत है, इसलिए वो उसे ग्रुप के डॉक्टर के पास लेकर आता है, जो उसे किसी तरह का लिक्विड पीने को कहता है, जिसे वो पी भी लेती है, जिसके बाद डॉक्टर उसके हाथ पर दवा लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन जब उसे होश आता है तो उसके सामने ईव नाम की लड़की होती है जो सुन नहीं सकती, इसलिए साइन लैंग्वेज में ही बातें करती है। ईव उससे कहती कि मैं यहाँ पिछले 3 महीने से हूँ, और तभी वह इजी नाम की लड़की आकर जेन को एक जैकेट पहनने को कहती है, जिसे पहनने के बाद ही उसे खाना मिलेगा। अब जेन वो जैकेट पहनकर डिनर टेबल पर आ जाती है, जहाँ बेंजी और ग्रुप के सारे लोग होते हैं। बेंजी उसे सबसे पहले खाने को कहता है, पर यहाँ के नियम अलग थे, वो लोग हाथ से नहीं खा सकते थे, उन्हें चम्मच से खाना निकाल कर एक दूसरे को अपने मुंह से चम्मच पकड़ कर खिलाना होता है। पर जेन चम्मच से खाना उठाकर अपनी प्लेट में डाल देती है, क्योंकि उसे नियम नहीं पता था, जिसके बाद सभी एक दूसरे को खाना खिलाने लगते हैं। और जैसे ही एक लड़की जेन को खाना देती है तो उसे काफी अजीब लगता है, इसलिए वो घर से बाहर आ जाती है। बेंजी अब उससे कहता है कि हमने तुम्हें यहाँ रोक कर नहीं रखा है, तुम्हें जाना है तो लूका तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर छोड़ देगा, लेकिन जेन मना कर देती है।
अब अगले सीन में जब जेन सो रही होती है कि तभी उसे ग्रुप के लोग बाहर कुछ बातें करते हुए सुनाई देते हैं, इसलिए वो चुपके से उन्हें देखने लगती है और अपने जूते से एक मोबाइल निकालकर उनकी बातें रिकॉर्ड करने लगती है, जहां वो सभी किसी तरह के ड्रग को शराब में मिलाने की बातें कर रहे थे और तभी उसे पकड़ लेती है। लेकिन जेन उसे धमकाती है कि अगर तुमने उन्हें कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी, जिस पर डर के मारे वो किसी को कुछ नहीं बताती। अब अगले दिन सब अभी होने वाले जैम यानी कि डायरेक्ट एक्शन या फिर सीक्रेट प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ जीन कहती है कि मैं भी इस जैम में शामिल होना चाहती हूँ, जिस पर बेंजी समझाता है कि तुम ये नहीं कर पाओगी, पर वो जवाब देती कि मैं कर लूंगी। इसलिए जीन को तैयार किया जाता है और साथ ही बेंजी, डॉक्टर और इजी भी तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी एक पार्टी में आ जाते हैं जहाँ डॉक्टर का दोस्त पीटर उनका स्वागत करता है। दरअसल पीटर डॉक्टर का दोस्त है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो इस ग्रुप के लिए काम करता है। आप सभी पार्टी करने लगते हैं जो कि एक दवाई बनाने वाली कंपनी के नए सीईओ बनने की खुशी में आयोजन किया गया है। बेंजी फिर एक आदमी को शराब ऑफर करता है, जिससे पीने के बाद उसे चक्कर जैसा आने लगता है। जो देख जीन समझ जाती है कि ग्रुप के लोग कंपनी के सारे लोगों को ड्रग देकर मारना चाहते हैं, इसलिए वो सभी से शराब का ग्लास ले लेती है। लेकिन ओनर पाइजो और सीईओ मैकेबे के पास अब भी ग्लास होता है और उनके साथ मौजूद कुछ और भी लोग वो शराब पी लेते हैं, जिसे देख जेन एकदम परेशान हो जाती है। अब काम पूरा होने के बाद इसके सारे मेंबर फिर से अपने ठिकाने जा रहे होते हैं, जहां रास्ते में जेन सवाल करती है कि तुमने उन लोगों के साथ क्या किया, जिस पर डॉक्टर कहता है कि एक बार मेरी बहन बीमार पड़ गई थी, मैंने उसे पियाजो की कंपनी की दवा दी, जिस दवा ने एक महीने के अंदर ही उसका ब्रेन डैमेज कर दिया, जिससे वो मर गई। ये लोग बस पैसे देखते हैं, लोगों की इन्हें कोई चिंता नहीं है कि वो जिए या मरे, इसलिए हमने उनकी दवा का ज्यादा डोज लिक्विड फॉर्म में उन्हें ही दे दिया, जो जानकर जेन हैरान हो जाती है। अब ठिकाने पर पहुंचने के बाद वो सभी एक वीडियो को यूट्यूब पर डाल देते हैं कि पियाजो की कंपनी नकली दवा बेचती है, जो देखते ही देखते वायरल हो जाता है। फिर अगली सुबह सभी न्यूज देख रहे होते हैं, जहां पियाजो सभी से कहती है कि इस ग्रुप ने हमारे शराब में ड्रग मिला दिया था, लेकिन हमने टेस्ट करवाया तो वो हमारी ही दवा का लिक्विड फॉर्म निकला, जिससे ये साबित हो जाता है कि हमारी दवा का ज्यादा डोज भी ले लिया जाए तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर हमारी दवा का सेवन कर सकते हो, जो देख सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका पासा उन पर ही पलट गया। इसलिए अब बेंजी कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अलग हो जाना चाहिए, इसलिए सभी अपने अपने घर चले जाओ, कुछ दिनों बाद हम फिर से मिलेंगे, इसलिए जीन भी अपने घर लौट आती है। अब अगले दिन वो कंपनी में आकर शेरॉन और बाकियों से कहती है कि मैंने दो मेंबर की पहचान कर ली है, बेंजी और डॉक्टर, पर ये उनका असली नाम नहीं है, और साथ ही ये ग्रुप के लोग सीक्रेट वेब से दूसरे ग्रुप के लोगों से संपर्क करते हैं। अब ये जानने के बाद सभी खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद जेन घर जाती है, जहां न्यूज में पैगी कह रही होती है कि मुझे कुछ दिनों से काफी अजीब लग रहा है, मैं आईने में देखकर खुद को नहीं पहचान पा रही हूँ, शायद हमारी दवा में कुछ प्रॉब्लम है, और पैगी के इसी वीडियो से उसकी कंपनी पर जांच शुरू हो जाती है, जो वीडियो देख जेन काफी परेशान हो जाती है और तुरंत इस ग्रुप के पास आती है, जहां सभी खुशियां मना रहे होते हैं क्योंकि उनका जाम सफल रहा, इसलिए जेन भी दिखाने के लिए खुशियां मनाने लगती है। अब अगले सीन में सभी अगले जैम की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसमें हॉक्सटन नाम की कंपनी की फैक्ट्री का वेस्ट एक नदी में जाता है, जिससे नदी के किनारे रहने वाले गरीब लोगों का वहां रहना बहुत मुश्किल हो गया है और उन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो यहां से कहीं और चले जाएं, इसलिए मजबूरन उन्हें वहां रहना पड़ रहा है, और वेस्ट के इतने नजदीक रहने से वहां के कई सारे लोगों को कैंसर तक हो गया है, जिससे वो मारे जा रहे हैं। इसलिए इस ग्रुप के जैम के अनुसार उन्हें हॉक्सटोन कंपनी के सीईओ और ओनर को वही गंदे पानी में डालना है। आप सभी हॉक्सटोन कंपनी में आ जाते हैं, जहां इजी कंपनी के ओनर रिचर्ड से मिलने जाती है क्योंकि वो ही उसकी बेटी है। रिचर्ड इजी को देखकर हैरान हो जाता है, पर इजी कहती है कि मुझे आपसे एक मदद चाहिए, आप फैक्ट्री का वेस्ट नदी में डालना बंद कर दो, जिस पर रिचर्ड साफ मना कर देता है, इसलिए इजी उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश करके मदद के लिए चिल्लाने लगती है,
और उसकी मदद के लिए डॉक्टर वहां आता है, जिसकी बाद ग्रुप के लोग रिचर्ड और कंपनी की सीईओ का अपहरण करके उसे नदी के पास ले आते हैं और फिर उनका वीडियो बनाते हुए उन्हें उसी गंदे पानी में अंदर जाने को कहते हैं। और सीईओ कहती कि मैं अपना अपराध मानने के लिए तैयार हूँ कि हमने ये जानते हुए कि इससे नदी प्रदूषित हो जाएगी फिर भी अपनी फैक्ट्री का वेस्ट उसमें डाला, लेकिन तब भी उसे सब नदी में डालने लगते हैं। पर रिचर्ड खुद ही नदी में जाकर इजी से कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ हर चीज के लिए, बस तुम फिर से मेरे पास आ जाओ। जिस पर इजी उसे तुरंत वहां से निकलने को कहती है और तभी वहां पुलिस भी आ जाती है, इसलिए ग्रुप के लोगों को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन इसमें इजी को एक गोली लग जाती है, इसलिए तुरंत उसे ठिकाने पर लाकर डॉक्टर उसका इलाज करता है। पर पेट काट कर बुलेट निकालने में उसका हाथ कांपने लगता है, इसलिए जीन ये काम करती है जिसे डॉक्टर डायरेक्शन बता रहा होता है, और डायरेक्शन को फॉलो करते हुए वो पेट से बुलेट निकाल लेती है, जो देख सभी काफी खुश हो जाते हैं। पर अगले ही पल उनकी खुशी दुखी में बदल जाती है, क्योंकि उनके पास ज्यादा टूल्स और मेडिसिन ना होने के कारण बेचारी इजी अपना दम तोड़ देती है, जिससे सभी काफी दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी इजी का फ्यूनरल कर देते हैं। पर इस दुर्घटना से जीन को भी काफी बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ रहते रहते वो इस ग्रुप के काफी क्लोज हो गई थी। अब जीन फिर से अपने ऑफिस आ जाती है और सभी को रिचर्ड और सीयू का वीडियो दिखाकर कहती है कि ये उनका दूसरा जाम था जो अभी तक यूट्यूब पर डाला नहीं गया है, और उनका अब एक आखिरी जाम बचा है जिसे पूरा होने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा, जो जानने के बाद सभी एकदम खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन जीन फिर से ग्रुप के पास आकर बेंजी से कहती है कि हमें ये ग्रुप बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें इजी की जान चली गई है, हो सकता है कि इसमें और भी मारे जाए। लेकिन बेंजी कहती कि मेरा एक आखिरी जाम है, उसे किए बगैर मैं ग्रुप खत्म नहीं कर सकता, और तुम्हें उस जाम में मेरा साथ देना होगा, और ना चाहते हुए भी वो जाम पूरा करने के लिए मान जाती है। अब जाम के अनुसार बेंजी जीन को कार में बिठाकर कहीं ले जा रहा होता है, जहां रास्ते में ही जीन की आंख लग जाती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो गाड़ी के खिड़की से जीन को अपने ब्यूरो का गार्डन दिखाई देता है, जो देख वो एकदम घबरा जाती है और बेंजी से सवाल करती है कि तुम कब से जानते थे कि मैं यहाँ काम करती हूँ। बेंजी कहता है कि मैं उस समय से जानता हूँ जब तुमने हमारे ग्रुप को ज्वाइन भी नहीं किया था, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले जहाँ हमने जाम किया था वहाँ मुझे तुम्हारे ब्यूरो के कुछ अंडरकवर एजेंट की फोटो मिली थी जिसमें तुम्हारी भी फोटो थी। मैं और लूका ही सिर्फ इसके बारे में जानते थे और हम तभी से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम यहाँ जरूर आओगी। और फिर उसे उसके जूते में छिपाया हुआ फोन देकर कहता है कि मुझे तुमसे उन सारे अंडरकवर एजेंट्स की डिटेल चाहिए जिन्हें मैं दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहता हूँ। पर जीन कहती कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें वो डिटेल्स दे दूंगी। जिस पर बेंजी कहता है कि जितना मैंने तुम्हें जाना है उससे मुझे विश्वास है कि तुम वो जरूर कर दोगी, इसलिए तुरंत जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा। आप जेन ब्यूरो के अंदर आ जाती है जहाँ शेरोन एक मीटिंग में बिजी होती है, इसलिए जेन उसकी असिस्टेंट से कहती है कि जाओ और शेरोन से कहो कि मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एफबीआई वाले इस ग्रुप के ठिकाने के पास आ जाते हैं, जिन्हें डॉक्टर देख लेता है, और अब वो सभी को ठिकाने पर बने एक सीक्रेट बेस के अंदर डालकर उसे बंद करके उस पर सामान रख देता है जिससे किसी को कुछ पता ना चले। इधर जिन ब्यूरो के सर्वर में जाकर उन सारे अंडरकवर एजेंट्स की डिटेल्स निकालकर उनकी फोटो अपने मोबाइल में क्लिक कर लेती है, और तभी वहाँ शेरोन आकर उससे कहती है कि ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था कि तुम मेरे मीटिंग खत्म होने का भी इंतजार नहीं कर पाए। जिस पर जीन कहती कि ग्रुप अपना आखिरी जाम अंजाम दे रहा है, पर शेरोन कहती कि तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने एफबीआई वालों से वहाँ रेड करवा दी है, जो जानकर जेन एकदम घबरा जाती है। जिस पर फिर शेरोन सवाल करती है कि तुम्हें कब से उन कचरे वालों के लोग की चिंता होने लगी है,
जो जानकर फिर जेन वही रखे डस्टबिन से आधा खाया हुआ सेव निकाल कर कहती है कि इससे अच्छे तो वो लोग हैं जिन्हें चीजों का महत्व पता है, और वो उस सेव को खाकर वहाँ से जाने लगती है, जो देख शेरोन को उस पर शक हो जाता है। वहीं FBI वाले ठिकाने पर किसी और को ना पाकर डॉक्टर को ही अपने साथ ले जाते हैं। इधर बेंजी को भी ग्रुप की एक मेंबर बता देती है कि सब खत्म हो गया है, जो जानकर वो परेशान हो जाता है। अब जिन जैसी ब्यूरो से बाहर जाने वाली होती है, गार्ड्स उसे पकड़कर उसका फोन ले लेते हैं, जो देख वो घबरा जाती है और तुरंत बाहर आती है, जहां बेंजी कार लेकर गेट के पास आता है, जिसके बाद वो दोनों तुरंत वहां से निकल जाते हैं। बेंजी अब उससे कहता है कि तुमने वो डिटेल्स लिया, जिस पर वो कहती है कि मैंने ले लिया था, पर मेरा फोन उन्होंने ले लिया, जो जानकर वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों शहर के बॉर्डर के पास आ जाते हैं, जहां बेंजी उससे कहता है कि हम दोनों यहां से निकल जाएंगे, लेकिन जेन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं यहीं रहूंगी, जो सुनकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अब जेन बाथरूम में आकर वॉमिट करती है, क्योंकि उसने एक डब्बी में अपने फोन के मेमोरी कार्ड को डालकर निकाल लिया था, ताकि शेरोन को उसके बारे में पता ना चले। फिर मूवी के आखिरी सीन में जेन अपने सारे एजेंट से मिलकर उन्हें अपना साथ देने को कहती है, ताकि कंपनी की सच्चाई दुनिया को बता सके, जिस पर फिर सभी उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं, और वो सभी मिलकर बड़े बड़े कंपनीज की डिटेल्स जेन को दे देते हैं, और फिर वो सभी उन डिटेल्स को इंटरनेट पर डाल देती है, जिससे कई सारे कंपनीज बंद हो जाते हैं, और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।